हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है पिंड विचार। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंतर्गत दूसरा उपदेश है पिंड विचार। तो इसमें इसके अंतर्गत जो जो चर्चा की गई है उसका मैं संक्षेप में वर्णन करती हूँ। इस उपदेश में ये कहा गया है कि इस व्यस्त शरीर में 9 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य हैं और 5 व्योम है। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग की इसमें चर्चा की गई है और जो साधक इसकी साधना करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो संक्षेप में इनका वर्णन इस प्रकार है, 9 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रु चक्र, ब्रह्म चक्र, आकाश चक्र। तो इन चक्रों की बात है क्योंकि यहाँ पर अष्टांग योग की बात कहेंगे तो अष्टांग योग के लिए ये आधार बनेंगे, ये साधन बनेंगे, अवलंबन बनेंगे। तो इसलिए शरीर में ध्यान के योग्य जो जो केंद्र चक्र हैं, बिंदु हैं, उनकी बात इसमें कही गई है। दूसरा 16 आधार, तो ये 9 चक्र हो गए पहले, इसके बाद है पहले 9 चक्र उसके बाद 16 आधार। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाधार, मेढ्राधार, उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिकाकार, तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिका, नासामूलक कपाट, ललाट एवं ब्रह्मरंध्र, ये 16 आधार हो गए। 3 लक्ष्य हो गए। 3 लक्ष्य में सबसे पहले है अंतर लक्ष्य, और अंतर लक्ष्य के अंतर्गत मूलाधार से सहस्रार तक श्वेत कुंडलिनी का ध्यान, मस्तक के ऊपरी भाग तथा भ्रमर गुफा में ध्यान, और दोनों कानों को बंद करके अंतःध्वनि को सुनना, ये अंतर लक्ष्य हो गया। बहिर्लक्ष्य दूसरा, उसमें कहा गया है कि नासाग्र से 2 अंगुल बाहर तक रक्तवर्ण का ध्यान, आकाश दृष्टि करते हुए आकाश तत्व का ध्यान, ऊर्ध्व दृष्टि करते हुए मध्य में देखना अथवा आकाश दर्शन करते हुए उसके अंतर्वर्ती आकाश को देखना, ये बहिर्लक्ष्य है। और अनेक विध लक्ष्य तीसरा, तो श्वेत, रक्त, कृष्ण वर्ण या अग्निशिखा, विद्युत, सूर्यमंडल अथवा अर्धचंद्र अथवा शरीर के किसी अंग पर ध्यान करना चाहिए। 9 तो हो गए, 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य। इसके बाद आता है व्योम पंचक। व्योम पंचक, व्योम का मतलब है आकाश। तो 5 प्रकार के आकाश की बात कही है व्योम पंचक। इसमें आकाश, पराकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, महाकाश, इन 5 आकाशों की बात कही। तो पहला तत्व जो है, जो पहला आकाश है, उसमें कहा गया है कि शरीर के बाहर और भीतर अतिशय निर्मल एवं निराकार आकाश का ध्यान करना चाहिए। दूसरा है पराकाश, शरीर के बाहर भीतर में अतिशय अंधकार का ध्यान करना चाहिए। महाकाश के अंतर्गत कहा गया है कि शरीर के बाहर भीतर प्रलय काल की भांति महा जो अग्नि है, प्रलय काल की जो अग्नि है उसके समान, प्रलय काल की अग्नि के समान महाकाश का ध्यान करना चाहिए। तत्वाकाश, शरीर के बाहर भीतर सच्चिदानंद तत्वाकाश का ध्यान करना चाहिए। सूर्याकाश, शरीर के बाहर भीतर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। और ये कहा गया है कि जो योगी इन 9 चक्रों को और 16 आधारों को, 3 लक्ष्यों को और 5 व्योम को नहीं जानता है वह वास्तविक योगी नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि योगी को इनका ज्ञान होना आवश्यक। फिर आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 योग, 8 अंगों की चर्चा की गई है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यहाँ थोड़ा इनकी संक्षेप में चर्चा की गई है। यम, यम का मतलब है उपशम करना। इसका जो लक्षण है सर्वेंद्र जय, आहार निद्रा जय, शीत वात आतप आदि पर जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त कर आगे बढ़ना, ये इसका इसका लक्षण है। नियम, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण करना, मनोवृत्तियों को बस में रखना या इन पर नियंत्रण करना, तो ये नियम है। साधना में नियंत्रण करना जरूरी है मन पर। इसका लक्षण है एकांतवास, निसंगता, उदासीनता, संतुष्टि, वैर आदि से उपरत और गुरु चरणों का आश्रय लेना। आसन, अपने स्वरूप की संस्थिति में बैठना, यह आसन है। आसन में तीन बताए गए हैं, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। ध्यान के लिए तीन प्रकार के आसनों का उपयोग बताया गया है। तो इस पर बैठ करके अपने स्वरूप का चिंतन करना। फिर प्राणायाम, प्राणों पर स्थिरता प्राप्त करना, प्राणों को बस में करना, स्थिर करना, इन पर नियंत्रण करना, ये प्राणायाम है। चार प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, पूरक, रेचक, कुंभक और संघटक। लेकिन जो संघटक प्राणायाम है उसकी चर्चा नहीं की गई। फिर आता है प्रत्याहार, चेतना के जो इंद्रिय रूपी अश्व हैं, उन अश्वों को विषयों से हटाना। इसका लक्षण है कि इंद्रियों के विकारग्रस्त होने से उत्पन्न विकारों का समाप्त होना। मतलब जब इंद्रियां अस्त व्यस्त रहती है, बाहर की ओर रहती है, अपने विषयों से जुड़ी रहती है, तो उसे जो विकार उत्पन्न होते हैं प्रत्याहार के अभ्यास से उनका शमन होता है। धारणा, बाह्याभ्यंतर एक ही आत्मा है इसकी भावना करना। इसका लक्षण है वायु रहित स्थान में निश्चल दीपक की लौ के समान मन का, चेतना का स्थिर होना, एक ही चैतन्य का अनुभव करना, निरंतर एक ही शांत चित्त बनाए रखना और उस परमात्मा का ध्यान करना, ये क्या हो गया? ध्यान, समाधि। अंतःकरण के सभी तत्वों के प्रति समान तटस्थ भाव अवस्था रखना, और ऐसा करने से जो अनायासी उस अवस्था की, उस समाज जो निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, अद्वैत अवस्था प्राप्त होती है, वह समाधि है। तो कहने का मतलब है कि सर्वत्र एक तो उस परम तत्व में विश्वास करना, उसका अनुभव करना, और उसके बाद सब में निर्विकार रूप से, निर्विकल्प रूप से उसी की प्रतीति होना, और उसके बाद जो ये सहज अनायास जो अवस्था मिलती है, जो विकार रहित है और उच्च कोटि की जो अवस्था है, वो अवस्था समाधि। तो इसके अंतर्गत यह छोटा सा चैप्टर है, इसके अंतर्गत सिर्फ ध्यान से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड बात की गई है। तो पूरा जो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति है उसमें जो योग संबंधी चर्चा है वो इस अध्याय के अंतर्गत कही गई है, और जो लास्ट का है जिसमें अवधूत योगी है, तो अवधूत योगी की उसमें विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन इस चैप्टर में ध्यान से संबंधित जो चक्र हैं, ग्रंथि हैं या मर्म स्थान है, जो भी ध्यान का आलंबन लेने के लिए जो आधार हैं, वो इस शरीर में हैं, वो इस दूसरे उपदेश में बताई गई हैं, और इसके साथ साथ जो अष्टांग योग है इसकी चर्चा इसमें की गई है। तो संक्षेप में मैंने इसकी चर्चा की है। धन्यवाद।